नमस्कार साथियों, मैं हूँ अनराम सर। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में कभी स्वागत करता हूँ। साथियों, हमने जो बात कर रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का ये वीडियो जो है वो है आपका सत्रहवां। इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत में अंतर। ठीक, मैं आपको पढ़ा चुका था कि भारतीय इतिहास को जानने के, प्राचीन भारत के इतिहास के जानने को स्रोत को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको साहित्यिक में आपका देशी साहित्य और विदेशी साहित्य के बारे में बताया था, जिसमें आपका विदेशी विवरण आ जाता है, और धार्मिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत के बारे में अंतर देखते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, कौन सा जो है महत्व ज़्यादा रखता है। तो पुरातात्विक स्रोत की अगर बारे में बात की जाए, तो पुरातात्विक स्रोत से इतिहास का निष्पक्ष मूल्यांकन साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा आसानी से मिल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि साहित्यिक स्रोत में क्या है कि मान लीजिए हम राजा हैं कहीं के, और राजा जब हैं तो जाहिर सी बात है अपने हम पालतू ही रखेंगे, पालतू मतलब चमचे जो हमारी कहेंगे, अगर हमारी नहीं कहेंगे तो हम उनको तुरंत फांसी पर चढ़वा देंगे। तो हमारे बारे में यदि कोई लिखता है और हम राजा हैं तो सारा क्या लिखवाएंगे, अच्छा ही अच्छा लिखवाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है, साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं निष्पक्ष तथा मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करते हैं। ठीक, पुरातात्विक स्रोत में काल्पनिकता का अभाव होता है, जबकि साहित्यिक स्रोत में काल्पनिकता, लेखक की व्यक्तिगत भावना आदि का क्या होता है, समावेश पाया जाता है। पुरातात्विक में क्या होता है, मान लीजिए ये गिलास निकला हड़प्पा कालीन का है, क्योंकि काफी पुराना गिलास है, हड़प्पा कालीन ये गिलास लेकर, मैं मतलब एक आम गरीब परिवार से हूँ और मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मान लीजिए पूरा घर जो है दब जाए, आज से 200 साल बाद या 200 400 500 या 10,000 साल बाद ये निकाला जाए, यहाँ पर मेरी कुछ चीज़ें निकलें तो वो मेरी चीज़ें होंगी साहित्यिक स्रोत में। अब ये गिलास निकला तो गिलास में ये राजा का नाम तो नहीं लिख दिया जाएगा, या फिर ये सीधा मतलब है ये एक तरह से निष्पक्ष होगा, इसमें काल्पनिकता का अभाव कम होता है। काल्पनिकता का अभाव क्या होता है, कम होगा। सीधा सा मतलब है काल्पनिक नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि हमने कुछ लिख दिया कि एक वो मान लीजिए ऊपर से कुछ निकला ये वाले देवता जो है ऐसे करके, तो वहाँ काल्पनिकता से दूर होगा क्या, ये जो है पुरातात्विक। क्योंकि हमने खुदाई से देखा तो क्या है, हमने गिलास देखा है, खुदाई से निकला है, सिक्के निकले हैं कि ये राजा के जो है सिक्के जो है इसी समय पे इन्होंने सोने का सिक्का चढ़ाया था। तो हमें सोने का सिक्का अगर मिलता है तो वहां पर क्या है कि एक सिक्का हमें दिख रहा है, सीधा मतलब कि ये सिक्का है। अब उसमें साहित्य में क्या लिख दिया कि उन्होंने एक प्लान बनवाया था, ये इतने दानी थे कि चारों ओर पैसे पैसे लुटा देते थे। अब पैसे तो लुटा देते थे लेकिन उन राजा के नाम से एक फूटी कौड़ी भी मिली नहीं। अब बात उनके साहित्यिक स्रोत में मिल रहा है, मतलब हमने अपना, मैंने बताया था अपना पालतू रखते हैं, जो हम इतिहासकार जो होता है तो सरकार की या फिर राजा की नीतियों की बुराई नहीं करता, हम उसको पैसे फेंकते हैं, अब हमारे लिए इतिहास लिखेगा, हमारे लिए एकदम बड़ा चढ़ागा बातें लिखेगा। अब कुछ व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, हम मान लीजिए हमने जो है राजा, हमारे बहुत प्रेम कुछ ज़्यादा ही हम राजा से प्रेम करते हैं और हमने जो है बहुत ज़्यादा उनके ऐसे करके तलबे चाटे हैं, तो हम क्या करेंगे उनकी हम बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखेंगे। अब मान लीजिए कोई दूसरा इतिहासकार है जो उन राजा से क्या करता है, चिढ़ता है, मतलब जलता है, उनकी बुराइयाँ करता है, तो वो अगर कहीं गलती से कोई कुछ लिख रहा है तो जाहिर सी बात है उनके बारे में बुरी बुरी बातें ही लिखेगा। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार है, अब कुछ गद्दार कौम है जो क्या कर रही है, मतलब कुछ गद्दार जो है जो क्या है उनकी नीतियों के आधार पर नहीं करना चाहते, लेकिन क्या है कि मोदी जी को जो पसंद करते हैं, जो उनकी नीतियों को चाहते हैं, जो उनकी सत्ता में मतलब उनके उनके नीचे काम करते हैं, तो मोदी जी के बारे में कुछ लिखवाया जाएगा, सारी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। साहित्यिक स्रोत हो रहा है ना एक तरह से, आज से 200 साल बाद या 300 साल बाद निकले तो मोदी जी के बारे में सारी अच्छी चीज़ें होंगी। अब मान लीजिए मैं कांग्रेसी हूँ पक्का वाला, और मैं क्या कर रहा हूँ, नेताजी के बारे, मोदी जी के बारे में लिखा जाएगा, सब गलत लिखा जाएगा, सब उल्टी चीज़ें, क्योंकि व्यक्तिगत भावना अंदर से कि हम 5 साल से लूट नहीं पा रहे हैं, 7 साल से लूट नहीं पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो व्यक्तिगत भावना भी इसमें क्या होता है, समावेश होता है। तो यहाँ पर क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, काल्पनिकता का अभाव इसमें कम होता है, और ये क्या होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत में परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि साहित्यिक स्रोत में समय के साथ परिवर्तन किया जा सकता है। सीधा सा मतलब है, जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने क्या किया था, जैसे मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, तो अंग्रेजी में जब अनुवाद करवाया था तो उसमें बहुत सी चीज़ें बदल दी। मान लीजिए कि जब मुगल आए थे, मुगलों ने क्या किया, उसका अरबी में फारसी में अनुवाद करवाया, तो उसमें क्या किया, बहुत सी चीज़ें बदल दी साहित्यिक स्रोत हैं। अब मान लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ है और मान लीजिए अरबी आते हैं, मान लीजिए अरबी, तुर्की या फिर जो अब मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में आते हैं, तो उस नालंदा विश्वविद्यालय पर कुछ बदलाव नहीं कर सकते, उस पर कितना बदलोगे, उसके कितना बदलोगे, अब उसको क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, उस जगह पर क्या करनी पड़ेगी, मस्जिद बनानी पड़ेगी। अब मान लीजिए जैसे बनारस में क्या निकल रही है, मस्जिदें निकल रही हैं, खुदाई हो रही है, तो वो पुरातात्विक साक्षी जो है वो कैसे जुटला दोगे, आपने मंदिर मान लीजिए खुदाई करेंगे तो वहाँ पे मंदिर के वो निकलते हैं ऐसे।
अब परिवर्तन आप कर सकते हैं साहित्य में। मान लीजिए हमने कागज लिया, उस पर लिख दिया कि बनारस की फलाना फलाना जगह पर इस जगह मंदिर नहीं था बल्कि मस्जिद था, हमारे काल के जो मुगल बादशाह थे उन्होंने आके कर दिया ये चीज, लेकिन जब हमने खुदाई करके देखी तो पुरातात्विक स्रोत से ये निकला कि भाई साहब यहाँ मंदिर नहीं था, वो मस्जिद नहीं थी, यहाँ पे मंदिर है। तो सीधा सा मतलब पुरातात्विक स्रोत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि साहित्यिक स्रोत में समय के साथ परिवर्तन भी किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं समकालीन घटना के दर्पण होते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत अपने पीछे की घटना को भी वर्णित करते हैं। सीधा सा मतलब है कि मैं ये कोई पुस्तक लिख रहा हूँ, मान लीजिए कोई संविधान की एक पुस्तक है, तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने अपनी पुरानी घटना को भी जोड़ दिया, कुछ आने की भी फर्जी घटना जोड़ दी, मतलब उसमें लिखना शुरू कर दिया। जबकि पुरातात्विक स्रोत में क्या हो, समकालीन होगा। आज मैं इस गिलास में पानी पी रहा हूँ, आज इस गिलास में पानी पी रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये भविष्य का गिलास नहीं है, वर्तमान का ही है, मेरा गिलास है स्वयं का, मैं इसमें पी रहा हूँ इसमें। या फिर मान लीजिए मैं कुछ और कर रहा हूँ, मान लीजिए मकान बनवा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं बनवा रहा हूँ, तो जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने के तुरंत बाद तो नहीं बनवाने लगा, बड़ा हुआ सारी चीज़ें हैं, तो हम जब मकान बनवा रहे होंगे तो एक आइडिया लगाएंगे मोटा मोटी कि लड़के की उम्र जो होगी इतनी होगी वो अपना मकान बनवाने की स्थिति में, क्योंकि इस तरह से ये यहाँ पैदा हुआ है, या फिर इस तरह से, या फिर मान लीजिए कोई और चीज़ बनवा रहा है, या फिर मान लीजिए ताजमहल बनवा रहा है, तो ताजमहल मुगल बादशाह के समय काल का ही माना जाएगा। अब ये तो है नहीं कि हम इसको ये कहेंगे कि ऊपर से प्रकट हुआ था। संविधान की बात कर लीजिए, संविधान जो है किसी व्यक्ति के द्वारा तो लिखा नहीं गया था, वो तो एक संविधान सभा के द्वारा लिखवाया गया था, उसमें कुछ सदस्य थे, वो कहते हैं कि वो हमारे जो पापा थे वो लेके आए थे ऊपर से, तो इस तरह की। तो यहाँ पे क्या है कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उसमें क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि गलती से क्या लिख गया कि संविधान सभा का कोई व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, तो वहाँ पर क्या हो गई, गलती हो गई, गलती ये हो गई, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि जो भी लिखा था मतलब जो प्रकट किया था वो इन्होंने ही प्रकट किया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि क्या हो गया, ये पूरी तरह से साक्षी जो है अच्छा नहीं माना जाता, कौन सा साहित्यिक में। पुरातत्व में क्या है कि आपका खुदाई करके देखा तो वहाँ पे एक चीज़ निकली, वो जाहिर सी बात है उनके समकालीन की घटना के बारे में ही जानकारी दे रहा होगा। लेखन, लेखन तथा रखरखाव की दृष्टि से भी साहित्यिक स्रोत जो होते हैं पुरातात्विक स्रोत से क्या माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि लेखन तथा रखरखाव मान लीजिए आपका साहित्यिक स्रोत है, ये किताबिया है, मान लीजिए ये नोटबुक है, हमने अभी लिख लिया है, पता चले ये रख दिया, इसमें सारा चूहा काट गया, इसको अब हम कैसे इसको रख रखाव कर पाएंगे, अब इसके लिए हम बढ़िया सा बॉक्स लेके आए, समझ रहे हैं। बल्कि गिलास क्या है, गिलास से हमने अपना नाम गुदवा दिया, बढ़िया से इसको फेंक दिया, अभी पड़ा रहेगा 10-20-50 साल 100 साल तक, उसके बाद भी निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा अनुराग मिश्रा सन ऑफ फलाना फलाना मिश्रा, समझ पा रहे ना, इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो सीधा मतलब पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोतों में अंतर समझ में आ गया कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा मतलब कम अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो है ये चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो की तैयारी जो है आप कर लीजिए, अगली वीडियो जो हमारा शुरुआत हो जाएगी इतिहास का, ऐतिहासिक काल से शुरू होगी, तो जिसमें हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में आपका वैदिक सभ्यता, ऐतिहासिक युग में जाकर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन जो शुरू होगा 600 से लेकर 1200 तक होगा, अभी हम एक मोटा मोटा क्या देख रहे हैं, प्रागैतिहासिक आद्य ऐतिहासिक, ठीक। तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, जैसे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, उत्तरपाषाण और नवपाषाण के बारे में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।